हेलो एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना. सो गाइस, टुडे यस वी विल डिस्कस अबाउट पजल्स. और यस, जो आपका बहुत एक्सपेक्टेड पार्ट और बहुत एक्साइटमेंट होती है इसके रिगार्डिंग, पजल्स के रिगार्डिंग, कि पजल पजल पजल, क्योंकि बात भी है, बिकॉज पजल्स में हम जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है, जितना हम सीखें उतना कम है. तो जितनी बार हम पजल को सीखते हैं, जितनी बार हम पजल्स को लगाते हैं, चाहे हम देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी लगाते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन भी लगाए ना, तब भी आपका इंप्रूवमेंट आता है. सीरियसली, तब भी आपका इंप्रूवमेंट आता है. तो मेरा मानना है कि जब भी पजल्स की क्लास हो या पजल्स का सीखने का मौका मिले, तो आपको पेशेंस के साथ वहाँ पर सीखना चाहिए. क्योंकि जितना आप पजल्स को टाइम दोगे, ठीक है ना, कहते ना कि जितना रेस्पेक्ट दोगे तो आपको भी उतनी रेस्पेक्ट एग्जाम में मिलेगी. तो पजल्स के रिगार्डिंग ये है. तो पजल्स में आप जितना टाइम आप दोगे, तो पजल्स उतना ही आपका करने का जो तरीका है, पजल्स को सॉल्व करने का तरीका है, वो सारा क्या होता है, इम्प्रूव होता चला जाता है. सो इसलिए हाँ, यस, हाँ, सो साउंड, हाँ साउंड, बिल्कुल साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. तो ओके, ठीक है. तो गाइज़ क्या करते हैं, मैं एक पजल यहाँ पर लेते हैं. जैसे हमने सीरीज़ हमारा चल रहा है, लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो आज 6 लेक्चर हैं IBPS PO के लिए, यानी जो मिशन IBPS हम लेके चल रहे हैं. और इसमें पजल का पार्ट वन, यस पार्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं. और आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल. सो एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे हम, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड की भाई जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो पॉसिबल केसेस बनते हैं पजल्स में, उनको हम कैसे सॉल्व करें और किस तरह से बेस लें और कहाँ कहाँ किस तरह से हिंट्स बनाएं और कैसे क्रॉस चेक करना सीखें, बिकॉज क्रॉस चेक तो करना सीखना ही है. तो पजल्स में थोड़ा सा मैं एक ये भी हिंट्स आपको दे दूँ कि जैसे पजल है, तो पजल में हम अप्रोच की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, मैं अभी क्वेश्चन पे आऊँगा. तो अप्रोच की रिगार्डिंग जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैटर करता है गाइज कि हाउ टू स्टार्ट, आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. और हाउ टू स्टार्ट में आपका मैटर करता है कि आप बेस कैसे बनाते हैं, बेस अप्रोच आपकी क्या है, ये मैटर करता है गाइज, ठीक है. एक्चुअली क्या है, जैसे मंथ की पजल है तो आपने क्या बेस बनाया, आपकी डेज की पजल है क्या बेस बनाया, डेट है, ईयर्स हैं, तो बेस मैटर करता है. बिकॉज बेस हम कैसे लेते हैं, तो बेस हम कैसे लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम कंडीशंस को, जो टेक्निकल कंडीशंस हैं, उसको इफेक्टिवली हम कंपेयर कर पाएँ, तो वो हमारा बेस बनता है. जैसे फ्लोर के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, सपोज करता है कि 1 to 8 फ्लोर्स हैं, 1 to 9 फ्लोर हैं, 1 to 7 फ्लोर्स हैं, तो फ्लोर्स पे हमें चीज़ों को अरेंज करना होता है. फ्लोर्स पे चीज़ें अरेंज करनी है, तो ऐसा नहीं कि पर्सन्स को बेस लेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा. और किसी अदर वेरिएबल्स को अगर हम बेस लेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा. क्वेश्चन तो होना है, क्वेश्चन तो गाइज होना है, ठीक है. तो गाइस पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा, बिकॉज हम पहली क्लास लेके चल रहे हैं पजल की, तो हम चाहते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट आए, ठीक है. हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ इंप्रूवमेंट. तो क्या है, अभी हम बहुत अच्छी पजल लेके चलने वाले हैं, बहुत अच्छी पजल, जबरदस्त पजल लेंगे, ठीक है. यस, आपको भी अच्छा लगेगा. तो बेस मैटर करता है. जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि बेस कैसे लें, तो बेस मैटर करता है. तो क्या होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस वेरिएबल का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा हो या जिसके रेस्पेक्ट में कंडीशंस इफेक्टिवली कंपेयर हो पाएँ. जैसे सपोज करो फ्लोर की बात करें, तो फ्लोर का क्वेश्चन आएगा, तो कंडीशन आती है कि इवन नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर, डब्ल्यू इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, या क्यू ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, या टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, है ना, इस तरह की कंडीशन आती हैं. अच्छा, एक यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है. जैसे एक बिफोर आई मूव ऑन द क्वेश्चन, सो आई हैव टू डिस्कस वन थिंग रिगार्डिंग, यस. तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे गाइज, कि जैसे सपोज करो आपके 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो मैंने फ्लोर को बेस लेना होता है जब फ्लोर का क्वेश्चन है, तो जिससे मैं इफेक्टिवली कंपेयर कर पाऊँ. तो जैसे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर्स हैं, और 8 फ्लोर्स पे पर्सन के साथ मैंने वेरिएबल्स को अरेंज करना है. तो अगर मैं प्री के रेस्पेक्ट में चीज़ों को एक्सपेक्ट करता हूँ, पीओ प्री के रेस्पेक्ट में, तो फ्लोर पे पर्सन के साथ एक वेरिएबल एक्सपेक्टेड है, ठीक है. और अगर मैं मेंस के रेस्पेक्ट में एक्सपेक्ट करता हूँ, तो गाइज, तो फ्लोर पे पर्सन के साथ 2 वेरिएबल एक्सपेक्टेड है, और साथ में कैलकुलेटिव पजल्स भी एक्सपेक्टेड हो सकती है. तो मेंस लेवल की भी हम चीज़ें लेके चलेंगे, प्री लेवल का भी लेके चलेंगे, वो सारी चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है. अब मेरे को एक कंडीशन का आपको आंसर बताना है, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आपकी रीडिंग कैसी, क्योंकि अप्रोच में एक तो होता है हाउ टू स्टार्ट, और दूसरा होता है हाउ टू लिंक, उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे. बट फर्स्ट द थिंग इज, रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो रीडिंग स्किल्स पर अगर हम बात करें, सपोज करो 8 फ्लोर हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहा कि कोई पर्सन है,
एक कोई पर्सन ए, ठीक है, ए पर्सन है, 8th फ्लोर पे है, और सपोज उसका कलर है क्या, मैंने कहा कि वो कलर लाइक करता है येलो, सपोज येलो कलर है, ठीक है। अब एक कंडीशन आई, एक कंडीशन आई, क्या कंडीशन आई, डब्ल्यू इज टू फ्लोर बिलो, डब्ल्यू इज टू फ्लोर, ठीक है। कंडीशन देखो ऐसे आई, सपोज करो यहां लिखी लिखते हैं, ठीक है, समझना बात को, डब्ल्यू इज टू फ्लोर बिलो ए, ऐसी कोई कंडीशन आई, मेरे को बताओ भाई इसका मतलब क्या है। हाँ प्लीज कमेंट करिए इसका मतलब क्या है, और जिसका गलत हो गया ना भाई समझ लेना आप, क्योंकि हम क्वेश्चन लगाते जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन से पहले कुछ ऐसा भी हमें डिस्कस करना है जिससे कि हमारा जो एक छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जो सिली मिस्टेक्स हैं, अगर हम पढ़ने में गलती करेंगे तो हम पजल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो रीडिंग में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल कंडीशंस का मतलब क्या वो हमारा समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लोग लिख रहे हैं 6 पर आएगा, और हाँ ठीक है, आज सीख जाऊँ पजल्स का, बिल्कुल सीख जाओगे यार, टेंशन ना लो, पजल सीखोगे आप, पजल का सीरीज चलेगा, पजल बिंदास हो जाएगा। चलो मेरे को बताओ भाई इसका मतलब क्या, 6 कह रहे हैं कोई, 5th कह रहा है, हाँ किसी ने 5th भी कहा है, 6th भी कहा है, दो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं गाइस, है ना, जैसे आप देख रहे हैं कमेंट को, दो कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, एक ने कहा कोई कह रहा है 5th और कोई कह रहा है 6th, अब दोनों आंसर तो होंगे नहीं, ठीक है, दोनों आंसर तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कंडीशन एक अलग कंडीशन है, ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, तो ये कंडीशन क्या है, अलग है, ये कंडीशन अलग है गाइज, ये कंडीशन अलग है, दोनों कंडीशन अलग है। देखो अगर मैं कहता हूँ डब्ल्यू इज टू फ्लोर बिलो ए, तो इसका मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है डब्ल्यू होगा 6th फ्लोर पे, हाँ डब्ल्यू होगा 6th फ्लोर पे, जैसे मैंने कहा 1 फ्लोर बिलो, ठीक है, तो 1 फ्लोर, कभी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, तो 1 फ्लोर बिलो कहें या हम जस्ट बिलो कहें या हम इमीडिएटली बिलो कहें, ये इन तीनों बातों का मतलब क्या है गाइज, सेम है, जस्ट बिलो, इमीडिएटली बिलो, 1 फ्लोर बिलो, तीनों का मतलब सेम है। अगर मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, अगर मेरे से कोई कहता है मैं 3rd फ्लोर पे खड़ा हूँ, ठीक है गाइस, मैं 3rd फ्लोर पे खड़ा हूँ, मेरे से किसी ने कहा कि भाई आप एक फ्लोर नीचे चले आइए, आप एक फ्लोर नीचे जाइए, तो मैं किस पे जाऊँगा, अगर आप 3rd फ्लोर पे हैं और बोला गया कि आप एक फ्लोर नीचे जाइए, तो किस पे जाएंगे भाई, 2nd पे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो 3rd फ्लोर पे आप खड़े हैं तो एक फ्लोर नीचे की बात करते हैं तो 2nd होता है, 3rd पे आप खड़े हैं एक फ्लोर ऊपर की बात करता है तो 4th होता है, तो 1 फ्लोर अबव मीन जस्ट अबव, ठीक है। तो इसीलिए जब 2 फ्लोर बिलो बोला गया तो W कहाँ जाएगा, 6 पे आएगा, बीच में एक फ्लोर का गैप होगा। यदि दे आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एंड W बोला गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, W यहाँ पे क्या आएगा, 5th पे आएगा। अरे कन्फ्यूजन क्लियर है कि नहीं है, हाँ अगर सिर्फ बिलो बोलता है तो बिलो तो कहीं भी हो सकता नीचे, समझ में आ रही बात। एंड ये भी अब बैंकिंग में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये भी नहीं है कि आप अपनी तरफ से 0 ले लें, 1 to 8 बोला गया है तो ग्राउंड फ्लोर इज 1, यही ग्राउंड फ्लोर है, यही बॉटम मोस्ट है। देखो मेरा क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ हम अप्रोच भी डिस्कस करेंगे ना गाइस, अप्रोच भी डिस्कस करेंगे जिससे कि हम चीज़ों को अच्छा कर सकें। तो फ्लोर के रिगार्डिंग हम बात लेके चल रहे हैं, फ्लोर के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो वहाँ पे हमें कुछ कुछ कंडीशंस क्या है, तो अप्रोच की हम बात कर रहे थे। एक तो ये होता है कि हम बेस लेना सीखेंगे जब हम पजल्स करते आएंगे, और साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि बेस लेने के बाद हमें रीडिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कनेक्टिंग सेंटेंस को एक साथ पढ़ना चाहिए, हिंट्स फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। अगर आप प्रॉपर हिंट्स नहीं बनाएंगे तो आप पॉसिबल प्लेसेस कैसे चेक करेंगे। सो आपको हिंट्स फॉर्मेशन पर ध्यान देना, आपको हिंट्स प्रॉपर बनानी है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल प्लेसेस, आप पॉसिबल प्लेसेस को फाइंड आउट करते हैं एंड देन सबसे लास्ट में आप पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन द पॉसिबल प्लेसेस एंड द पॉसिबल प्लेसेस बेस्ड ऑन द हिंट्स फॉर्मेशन एंड द हिंट्स फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द रीडिंग स्किल्स। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन के लिए तैयार, ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं तो यस 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 गाइस, अगर तैयार हैं तो आप लिखिए यस यस यस, धमाल करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। रेगुलर क्लास ले तो रहे हैं भाई, रेगुलर क्लास ले रहे हैं यार। भास्कर जी कह रहे हैं कि भाई लाइक करिए, हाँ बिल्कुल लाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाइए, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्वेश्चन को लेकर, और ये आपके सामने एक धमाल और बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, जानदार शानदार, है ना। और यस ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझेंगे, और ये स्टैंडर्ड सवाल है, बिल्कुल एक एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, पीओ प्री लेवल का सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन ड्यूएबल है, हर हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आज इस क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से अप्रोच समझेंगे जिससे कि आप उस अप्रोच को समझने के बाद फिर बाकी क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है गाइस। सो यस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई, मैं 2-3 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और फिर आप उसको ट्राई करें।
करिए गाइस, ट्राई करिए। गाइस ट्राई करिए अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से हिंदी में मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से करूँगा, ठीक है? हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से हिंदी में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? हर्षित, अभी आप ट्राई करो एक बार, ज़रा देखो, और फिर इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे यार, ठीक है? थोड़ा डिस्कशन तो ज़रूरी है, जब हम पजल सीख रहे हैं तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन मस्ट है, ठीक है? ओके, करिए, ट्राई करिए। ओके, हाँ पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? बॉक्स पजल में वन नीचे आएगा भाई अंश झा। बॉक्स पजल की अगर बात करते तो उसमें भी नीचे आएगा, क्योंकि बॉक्स देखो बॉटम टू टॉप चलते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसा सिस्टमेटिक वे में ही चलेंगे, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना योगेश, नेक्स्ट टाइम से यस डेफिनेटली आई विल, यस आई विल वर्क एज पर योर रिक्वेस्ट, टेंशन ना लो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से हम हिंदी में दे देंगे, ठीक है? चलो अब यहाँ पे चलते हैं, मैं डिस्कस करूँ, किसी का हो गया तो बता दो, इसमें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, चीज़ों को समझेंगे भी कैसे हमें चीज़ों को यहाँ पे करना है, और सारे लोग कर सकते हैं, कोई अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे, ठीक है? कोई कमज़ोर महसूस ना करे, सब कर सकते हैं। भास्कर ने कर दिया, क्या बात बात है भास्कर, बहुत दिन बाद हैं। ओके अच्छा, सो ओके, हाँ दिव्यरंजन उस पर भी चलेंगे लेवल, ये भी अच्छा लेवल है, और लेवल पे भी बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना? दीपांशी का भी हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कर दिया है, और हाँ चलो मैं इसको डिस्कस करता हूँ, तो ठीक है गाइज, अब पेशेंस के साथ चीज़ों को समझना, क्योंकि हमें इस पजल के सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें अप्रोच पे ध्यान देना है, ठीक है गाइज? सो आप समझदार हैं, सब समझ सकते हैं कि पजल्स में अप्रोच पे ही ध्यान देना होता है, जो सॉल्यूशन पे ध्यान देता चला जाता है उसकी पजल स्ट्रांग नहीं होती, जो पीएचडी करता है ना पजल्स में उसकी स्ट्रांग होती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए सर, हाफ स्लाइड। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, तो सबसे पहली बात है किसी भी क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पढ़ा तो कहता है यहाँ पे 8% है, 8% जो फ्लोर्स पे रहते हैं, और 8 फ्लोर्स हैं, एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कार्स, स्विफ्ट, डस्टर, होंडा सिटी, स्कॉर्पियो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोलो, क्रेटा, ठीक है? ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते ही आपको पता लग गया कि आप इतना तो फैमिलियर हैं ऐसी पजल्स के रिगार्डिंग कि ये फ्लोर बेस्ड पजल्स होगी। कौन सी पजल है? वन ऑफ द फ्लोर बेस्ड पजल। अब इसमें क्या करेंगे, आप फ्लोर्स को बेस बनाएंगे, बेस आपको पता है कि 1 to 8 है, तो बॉटम टू टॉप बनेगा, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे बेस बनाया 1 to 8, तो क्या है 8 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके क्या हो गए 8 फ्लोर्स हो गए, ठीक है? अब पर्सन के साथ क्या है, उस पर कार है, पर्सन के साथ कार है, ठीक है? मैंने ये बेस बना लिया, यहाँ पे पहला आपने काम किया इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या किया, क्या किया, बेस बनाया, ओके? अब हम क्या करेंगे देखो, अब उसके बाद क्या करना है, आप कंडीशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कनेक्टिंग सेंटेंस पे आप ध्यान देते हैं, कनेक्टिंग सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है, यस। तो अब जैसे मैंने एक बात बताई थी, हाउ टू स्टार्ट, वे हो गया बेस अप्रोच हो गई, देन उसके बाद क्या है कि कनेक्टिंग सेंटेंस को एक साथ पढ़ना है और क्रॉस चेक करते हुए चलना है, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्रॉस चेक करते हुए चलना है, ठीक है? कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ने का क्रॉस चेक करना है, अगर वो कंफर्म होता है तो ये राइट साइड में आपने पॉजिटिव वे में इंफॉर्मेशन रख दोगे, अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो लेफ्ट साइड में आप हिंट्स के रूप में हिंट्स फॉर्मेशन बनाओगे, समझ में आ रही है बात? हाँ, अब जैसे मैंने इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या कहता है, ओनली 1% बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक स्विफ्ट, आर और स्विफ्ट में 1% है, ठीक है? उसके बाद कनेक्टिंग कोई सेंटेंस नहीं है, तो मैंने क्या देखा, आर स्विफ्ट में तो कहीं भी आ सकता है, तो हिंट्स के रूप में हमने क्या बनाया कि आर, आर और स्विफ्ट के बीच में 1% है जो स्विफ्ट को लाइक करता है, ठीक है? अब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो मैंने सर्कल कर दिया। अगर सपोज करो मैं इसको कंफर्म ऐसे करता कि आर अबव होता, तो फिर मैं ऐसे करता, आर और स्विफ्ट के बीच में अगर 1% है ऐसा होता तो मैं इसको ऐसे करता, ठीक है? तो कहने का मतलब है मुझे कंफर्म नहीं है कि वो अबव ही है,
बिलो है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो रिप्रेजेंटेशन आपका एक एक स्टाइल होना चाहिए कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन दें जिससे कि आप खुद तो समझ पाएं कि भाई एक्चुअल में आपने क्या हिंट्स बनाई है। ठीक है, पड़ोसी से थोड़े पूछेंगे आगे, भाई बताइए यार हिंट्स का मतलब क्या, मैंने क्या लिखा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखो आगे पढ़ना स्टार्ट किया, कहता है पी जो है यू से जस्ट अबव है, पी यू से जस्ट अबव है और पी डज नॉट लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। पी ऑड नंबर पे नहीं है तो पी किस पे होगा, इवन नंबर पे होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, पी आपका ऑड नंबर पे नहीं है, अब पी ऑड नंबर पे नहीं है तो फर्स्ट पे नहीं होगा, नेगेटिव साइड में आपने क्या लेफ्ट साइड में क्या कर दिया, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन, पी यहाँ भी नहीं होगा, पी यहाँ भी नहीं होगा और पी यहाँ भी नहीं होगा, ऑड नंबर पे नहीं तो इवन पे होगा। और पी किससे ऊपर है, यू से ऊपर है, यू से अबव जस्ट अबव क्या है, पी है। अब पी ऑड नंबर पे नहीं तो इवन पे होगा, पी अगर इवन पे होगा तो यू किस पे होगा, ऑड पे होगा। आप या तो यहाँ मेंशन कर लें, यहाँ मेंशन कर लें, आपको चीज़ों को समझते हुए चलना होता है। हमें श्योरिटी नहीं है, हमने हिंट्स बना दी थी। ठीक है, उसके बाद मैं आगे पढ़ रहा हूँ, आगे कहता है द वन हू लाइक पोलो डज नॉट लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑल्सो नॉट ऑन द टॉप फ्लोर। जो पोलो है वो टॉप फ्लोर पर नहीं है और ऑड नंबर पर नहीं है, तो सेवन पर भी पोलो नहीं होगा, सिक्स पर भी पोलो नहीं होगा, सॉरी सेवन पर नहीं होगा, और आपका फिफ्थ पे भी नहीं होगा, आपका थर्ड पे भी नहीं होगा और आपका फर्स्ट पे भी नहीं होगा। ये आपने रिप्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, ध्यान से समझते जाना बिल्कुल। भाई थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, बच्चों को थोड़ा वॉल्यूम कम जा रहा है, बढ़ा दो। ठीक है, हाँ अब इसके बाद मैंने फिर आगे पढ़ना है मेरे को। नेक्स्ट स्लाइड करिए सर, नेक्स्ट स्लाइड। क्या कहता है, ओनली 2% बिटवीन यू एंड पोलो, यू और पोलो में दो लोग हैं, अभी मेरे को पोलो कंफर्म नहीं है, तो यू और पोलो में क्या है, दो लोग हैं। हिंट्स आपकी प्रॉपर बननी चाहिए, वहीं कोई कनेक्टिविटी आनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये भी एक आर्ट है जिस पे आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद आपसे क्या कहता है, ओनली 1% बिटवीन यू एंड ऑडी, यू और ऑडी के बीच में कितना है, 1% है। तो मैंने यहीं के इसको मेंशन कर दिया, यू और ऑडी में क्या है, 1% है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे मैं आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू और ऑडी में क्या है, 1% है। ओके, फिर आपसे कहता है, हाँ नाइदर आर नॉट टी, आर और टी बॉटम मोस्ट पे नहीं है, ये भी कैंसिल कर दिया। फिर कहता है पोलो डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर सिक्स, पोलो सिक्स पे भी नहीं है, ये भी कैंसिल कर दिया। कहता है पी और टी में कितने हैं, दो हैं, पी और टी में कितना है, दो लोग हैं, चलो। देन आगे कहता है आपसे द वन हू लाइक ऑडी डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट पे ऑडी भी नहीं है, ये भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, हाँ फिर आपसे क्या कहता है, ध्यान देते रहना, समझते रहना मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा, लेकिन एक बार हिंट्स बनाना भी आना चाहिए। ओके अनुपम, थैंक यू सो मच यार। तो फिर आपसे आगे क्या कहता है, ऑडी फर्स्ट पे नहीं था, क्यू लिव इमीडिएटली अबव आर, क्यू क्या है, आर से जस्ट अबव है, ये भी हमने मेंशन कर दिया। क्यू ऑड नंबर पे नहीं है, क्यू ऑड नंबर पे नहीं है तो क्यू इवन नंबर पे होगा, और क्यू इवन नंबर पे होगा तो आर ऑड नंबर पे होगा, बात वही है, आप दोनों में से किसी एक को मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे आगे कहता है द वन हू लाइक क्रेटा लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर एंड लिव इमीडिएटली अबव द स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से जस्ट ऊपर क्या है, क्रेटा है, स्कॉर्पियो यहां पे मैंने मेंशन कर लिया, स्कॉर्पियो से जस्ट ऊपर क्या है, क्रेटा है, और क्रेटा किस पे है, आपको दिया हुआ है क्रेटा लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, क्रेटा किस पे है, इवन नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, हैव पेशेंस गाइस, हैव पेशेंस, जिसको देखो जो पेशेंस रखेगा वो पजल सीखेगा, जिसको पेशेंस नहीं है वो बिल्कुल जा सकता है, कोई परेशानी नहीं यार। ठीक है, जिसको पेशेंस है वो ही सीखेगा, पजल में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे देखिए, डब्ल्यू लिव वन ऑफ द फ्लोर, द वन हू लाइक स्कॉर्पियो, तो वन फ्लोर बिलो स्कॉर्पियो से वन फ्लोर बिलो, जस्ट बिलो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, इसका मतलब कंडीशन का मतलब क्लियर हो गया, जस्ट बिलो। ठीक है, हाँ देन अब देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो पजल होती नहीं भाई, बिना पढ़े तो होती नहीं पजल। ठीक है, आगे क्या कहता है, आर डज नॉट लाइक ऑडी एंड स्कॉर्पियो, आर का जो है, आर का ना तो ऑडी है, ठीक है, आर का ना तो ऑडी है, इधर मेंशन कर लेते हैं, कहाँ मेंशन करें, दिखेगा नहीं आपको, आर का ऑडी नहीं है और स्कॉर्पियो नहीं है, दोनों कैंसिल कर दिए मैंने, स्कॉर्पियो नहीं है, ऑडी नहीं है। फिर कहता है ओनली 2% बिटवीन BMW एंड डस्टर, BMW डस्टर में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, BMW और डस्टर में दो लोग हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमें कुछ भी डेफिनेट नहीं था इसमें। और कहता है BMW जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो BMW यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, और फिर आपसे कहता है एस जो है ऑड नंबर पे नहीं है, एस फर्स्ट पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है,
फिफ्थ पे नहीं है और सेवन पे नहीं है। देखो यहाँ जो मैंने इतना पार्ट किया गाइज, लिसन, ठीक है, यहाँ जो मैंने इतना पार्ट किया है ये सबसे मेन पार्ट है। अगर आप इतना पार्ट बना लेते हैं, इतना पार्ट समझ लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आ सकती है, कहाँ कहाँ नहीं आ सकती है पजल में, एक जब हम एक प्योर लेवल की पजल की बात करें, अच्छी पजल की बात करें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि कंडीशन आ गई आपने रख दिया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब तो क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक मैं करना सिखाऊंगा अभी। सेकंड पॉइंट आ रहा है हाउ टू क्रॉस चेक। ये एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ पे आप रीड करने के साथ साथ आप ये हिंट्स बना रहे थे, ये पता कर रहे थे, ये फाइंड आउट कर रहे थे कौन सी चीज़ एग्जैक्टली कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकती है। मैं जब आप किसी क्वेश्चन में ये जान जाते हैं कि पॉसिबल प्लेसेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, समझो 60% 70% पजल डन। यस, ठीक है। हाँ नवीनता, 1330 लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन लाइक इतने नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपका मन है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे ठीक है, BMW 8 पे भी हो सकता है, हाँ 8 पे भी हो सकता है, ठीक है, वही सीखा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। BMW 8 पे, चलो मैं मेंशन कर दिया, ए लो, ठीक है, सीखा। सो अब मेरे को क्या करना है, इतना हमें पता लग गया, अब मेरे को क्या करना, अब यहाँ डिसीजन की बारी है। आप पजल सीख रहे ना, पजल सीख रहे ना, एक बार हटाइए सर क्वेश्चन हटाइए, अब पजल सीख रहे, मैं बता दूँ पजल क्या होगा, इतना काम किया, उसके बाद अब बार ये डिसीजन मेकिंग, एक पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है जो मन किया जिस पे मन आया चेक करना स्टार्ट कर दिया, अरे ऐसा करोगे तो पजल तो हो जाएगी, एग्जाम में नहीं होती। आप किसी को भी चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, ना ऐसा नहीं होता, किसी को भी चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, नो। क्या करना होता है, आपने यहां फाइंड आउट किया, पता किया कौन सी चीज कहां कहां हो सकती है, आप सबसे पहले, अब कुछ भी डेफिनेट तो है नहीं, अगर ये डेफिनेट होता तो हम पढ़ते जा रहे थे, रख नहीं देते उसे, अगर डेफिनेट होता तो हम पढ़ते जा रहे थे, रख नहीं देते क्या, रख देते ना, हम डेफिनेट आए नहीं। अब अगर डेफिनेट नहीं आया है तो कम से कम पॉसिबल, कम से कम पॉसिबल प्लेसेस या कम से कम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, दो, मानते हैं इस बात को, दो से कम क्या होता है, डेफिनेट होता है, दो से कम क्या होता है, डेफिनेट होता है भाई, कम से कम पॉसिबल प्लेसेस किसी के भी दो हो सकते हैं या फिर दो से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमें क्या करना होता है, हम डिसीजन मेकिंग में ये बात लेके चलते हैं कि पहले हम उसको चेक करते हैं, उस वेरिएबल को चेक करते हैं, उस एलिमेंट को चेक करते हैं जिसके पॉसिबल प्लेसेस कम से कम हो, बेस पॉसिबिलिटी का चेक करने का कम से कम होना चाहिए। सपोज करो एक एलिमेंट है पी और एक एलिमेंट है क्यू, ठीक है, एक एलिमेंट पी और एक क्या क्यू है, पी के पॉसिबल प्लेसेस दो हैं और क्यू के कितने हैं, तीन है। अगर मैं पहले क्यू क्यू को चेक करूंगा तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि दो बार आपको कैंसिलेशन करना पड़ेगा तो आप स्योरिटी पे आओगे, और जब तक इसकी स्योरिटी पे नहीं आओगे दूसरे का, दूसरे के प्लेसेस रिड्यूस होंगे नहीं भाई, दूसरे के जो पॉसिबल प्लेसेस हैं, अदर एलिमेंट्स के पॉसिबल प्लेसेस हैं वो कब रिड्यूस होंगे, वो कब रिड्यूस होंगे, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को डेफिनेट करोगे। इसलिए मैं पहले किसको चेक करूंगा, पी को चेक करूंगा, अगर इसके पॉसिबल प्लेसेस क्या हैं, दो हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान देना, हाँ जैसे इसने बोला, किसने बोला स्टार्ट फ्रॉम पोलो, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब है आप जानते हैं, आपकी समझ है, आप बताओ कहाँ से स्टार्ट होना है, जिसने बोला था पोलो से स्टार्ट होना है, बिल्कुल यार, ठीक है, जो कह रहे हैं ना 20 मिनट हो गया आप डिसीजन मेकिंग, अरे भाई डिस्कशन ऐसे पजल ऐसे नहीं, पजल को 2 घंटे में एक पजल समझाना तो आप करते हैं, अगर सॉल्यूशन पे वर्क करना था तो फिर क्या फ़ायदा, सॉल्यूशन पे वर्क नहीं करते हम, ठीक है, हाँ हम सॉल्यूशन वर्क नहीं करते, हम अप्रोच पे वर्क करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे देखना है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ आर क्यू और नंबर पे, फर्स्ट पे नहीं है बट थर्ड पे हो सकता है, फिफ्थ पे हो सकता है, सेवन पे हो सकता है, कितने पॉसिबल प्लेसेज हैं, तीन, आर फर्स्ट पे तो था नहीं, ठीक है। आप देखोगे क्रिकेट, क्रेटा, क्रेटा इवन नंबर पे है, क्रेटा से नीचे स्कॉर्पियो से नीचे डब्लू, सेकेंड पे क्रेटा आएगा नहीं, ठीक है, क्रेटा स्कॉर्पियो डब्लू नहीं आएगा, क्रेटा लेकिन फोर्थ पे हो सकता है, सिक्स पे हो सकता है, एट पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप देखो ये कंडीशन, ये इंफॉर्मेशन बहुत, एक तो ये सेगमेंट है, एक दो तीन, एक दो तीन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए पॉसिबल प्लेसेस के साथ साथ, ठीक है, हाँ। तो इसीलिए अब यहां देखो पोलो, पोलो आपका फर्स्ट पे नहीं, ठीक है, हाँ पोलो आपका फिफ्थ पे नहीं, थर्ड पे भी पोलो नहीं था, और नंबर पे पोलो था नहीं, सिक्स पे नहीं था, टॉप पे नहीं था, पोलो इवन नंबर पे था, तो पोलो या तो फोर पे होगा या पोलो किस पे होगा, सेकंड पे होगा, देयर टू पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, पोलो की दो है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सारी है, तो मैं किसको चेक करूंगा, पोलो को। अब देखो जैसे
अगर मैं पोलो को सेकंड पे लेता हूं, समझना, ध्यान से समझना, अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, और जो पर्सन क्वेश्चन पे कम से कम वापस जाता है उसकी अप्रोच भी इफेक्टिव मानी जाती है। जो पेपर करते समय क्वेश्चन पे बार 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 क्वेश्चन पे जाता है वो कन्फ्यूज हो जाता है, जाना चाहता कहीं पहुंच जाता कहीं और, जाना चाहते कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं और, तो इसलिए क्वेश्चन पे वापस ना जाना पड़े उस तरह से हिंट्स हो जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब जैसे पोलो की देखो पॉसिबिलिटी है, मैंने डिसीजन लिया, सपोज़ करो पोलो को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, पोलर यू में दो है, नीचे आएगा नहीं, एक दो, यू से ऊपर क्या है पी, पी टी में कितना दो, ऊपर आएगा नहीं, दो छोड़ के क्या आ गया टी, ठीक है। फिर देखो ये सारी चीज़ आई, आर और नंबर पे था, आर से ऊपर क्या था क्यू था, आर फर्स्ट पे मना किया हुआ है, थर्ड पे आर आएगा नहीं, फिफ्थ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे आर आएगा, उससे ऊपर क्या आएगा क्यू आएगा, आर और स्विफ्ट में एक है, यहाँ पे स्विफ्ट आएगा, ठीक है। यू और ऑडी में एक है, यू और ऑडी में एक है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। इतना आपका यहाँ पे हमने रिलेट कर दिया, ये सारा रिलेट हो गया और ये सारा रिलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, क्रेटा स्कॉर्पियो डब्लू, तीन ही तो कंडीशन आपकी मेन, ये फिर चौथी छोटी कंडीशन है, क्रेटा स्कॉर्पियो डब्लू। अब देखो क्रेटा सेकंड पे है नहीं, फोर पे क्रेटा अगर आती है, अगर फोर पे हम क्रेटा लेते हैं, फोर पे क्रेटा लेते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं, डब्लू लेते हैं, यहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं, फोर स्कॉर्पियो ये आप रखेंगे, और कहाँ पे आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे तो आपका आएगा नहीं, ये आपका नहीं आएगा, ये आपका कैंसिलेशन है, तो आप पॉसिबिलिटी क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक करना सीख रहे हैं, क्या करना सीख रहे हैं, क्रॉस चेक करना सीख रहे हैं, हाँ समझना ध्यान से, क्रॉस चेक करना सीख रहे हैं। तो ये आपने क्या किया, अगर हम पोलो को यहाँ पे लेते हैं तो पोलो और यू में दो थे, तो मैंने दो छोड़कर यू को रखा, यू से ऊपर पी रखा, पी और टी में कितने थे दो थे, आर से ऊपर यहाँ पे क्यू रख दिया, आर शिफ्ट में एक था, ऐसे आपने किया, यू और ऑडी में एक है, ऐसा आप कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ऑडी यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि आर का ना तो ऑडी है ना स्कॉर्पियो है, तो ऑडी आपका यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ पे ऑडी आएगा तो ये आपका ये कैंसिलेशन हो गया कि यू और ऑडी यहाँ पे आएगा, तो क्रेटा स्कॉर्पियो डब्लू, ना क्रेटा सेकंड पे, क्रेटा फोर पे रखोगे तो स्कॉर्पियो नहीं आएगा, क्रेटा सिक्स पे रखोगे स्कॉर्पियो नहीं आएगा, क्रेटा यहाँ पे रखोगे तो आर का स्कॉर्पियो भी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल है, ये हैप्पी मोमेंट है, पॉसिबिलिटी इज कैंसिल, समझ गए पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल है, मैंने लिंक किया पॉसिबिलिटी कैंसिल, क्रॉस चेक हो गया, पॉसिबिलिटी है कैंसिल, यहीं कहीं क्रॉस चेक कर दिया, मुझे दो डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, यहीं कहीं क्रॉस चेक कर दिया। पोलो फोर्थ पे, एक ही जगह कंडीशन होगी, सिक्स पे यानी सेकंड पे मना हो गया, एट्थ पे यानी इवन पे था, पोलो डन। पोलो और यू में कितने हैं, दो हैं, नीचे दो छोड़कर हो सकता है, ऊपर दो छोड़कर हो सकता है, संभावना में संभावना, इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी। अब जैसे नीचे दो छोड़कर अगर मैं यू रखता हूं, यू से ऊपर क्या है पी, पी ओ टी में दो है, नीचे आएगा नहीं, दो छोड़कर टी, यू से एक छोड़कर क्या होगा ऑडी, तो फिर यहां पे मैं दोबारा से ऑडी रखूं, ठीक है समझना। अब आर से ऊपर क्यू, उसी पे में चल रहे हैं, आर थर्ड पे आ नहीं सकता क्योंकि आर का ऑडी नहीं है, फिफ्थ पे आर आएगा नहीं, तो अगेन आर से ऊपर क्यू, ठीक है। देन इतना किया, अब आप दोबारा से देखना, अब यहां पे हो गया, अब यहां पे आप कर दिया, आर यहां पे आया, आर और स्विफ्ट में एक है, आर यहां पे है, तो यहां पे क्या रखोगे दोबारा से स्विफ्ट, ये आपने कर दिया, ठीक। नाउ क्रेटा स्कॉर्पियो डब्लू, सेकंड पे क्रेटा है नहीं, फोर पे क्रेटा आएगा नहीं क्योंकि फोर पे तो पोलो हो चुका है, सिक्स पे क्रेटा लोगे तो स्कॉर्पियो नहीं आएगा, स्विफ्ट लेके चल रहे हैं, एट पे क्रेटा लोगे तो सेवन पे स्कॉर्पियो नहीं आएगा क्योंकि आर का स्कॉर्पियो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन हमारे डन की ओर, खत्म, ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, फिर कैंसिल। अभी आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना था, जो इतना ध्यान नहीं रखेगा उसको तो फिर क्वेश्चन करना नहीं चाहिए पजल का, हाँ अगर इतना ध्यान नहीं रखे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ध्यान क्या रखना था, पोलो के साथ यू की पॉसिबिलिटी नीचे भी थी, यू की पॉसिबिलिटी ऊपर भी थी। अब ऐसा नहीं है फिर परेशान हो गए, यू कहाँ, यू पॉसिबिलिटी में जो पॉसिबिलिटी है उसको दिमाग में आपको कैरी करना पड़ेगा, जो पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी है उसको दिमाग में कैरी करना पड़ेगा, उस तरह की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है सब कुछ आपको हलवा की तरह मिल जाएगा, नहीं, हलवा तो ऐसी पेपर में नहीं मिलता हलवा, पेपर में चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है, पेपर में प्रेशर लेना पड़ता है, बिना प्रेशर नहीं आता, थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ेगा। पोलो यहाँ पे है, नीचे यू आया नहीं, ऊपर भी तो सर, अब ऊपर तो आएगा ही आएगा क्योंकि पोलो कन्फर्म है, अब डेफिनेट जा रहा सारा। अब क्या है, हैप्पी मूवमेंट जैसे बोल रहे हैं, यस हैप्पी मूवमेंट है। पोलो यहाँ पे है, दो छोड़कर यू, क्योंकि पोलो के रेस्पेक्ट में यू नीचे कैंसिल हो चुका है, पोलो डेफिनेट है क्योंकि पोलो सेकंड पे भी कैंसिल हो गया था, सिक्स पे है नहीं, एट पे है नहीं, यू से ऊपर क्या, पी, पी और टी में दो, दो छोड़कर टी, यू, यू और ऑडी में एक, यहां पे क्या आएगा, ऑडी, डन। ठीक है, नाउ अब आर से ऊपर क्या था, क्यू था, आर फर्स्ट पे है नहीं, यहां आर से ऊपर क्यू आएगा नहीं, यहां आर आएगा नहीं, आर का ऑडी नहीं है, ठीक है, तो हाँ, तो आर का पी और टी में सिर्फ दो थे, पी और टी में दो थे, एक दो, यहां पे क्या था, टी, ये टी है, यू और ऑडी में एक हो गया। अब देखो आर यहां पे नहीं है सेवन पे, आर फिफ्थ पे नहीं है, आर फर्स्ट पे नहीं है, मना किया हुआ है, आर यहां पे हो गया डन, यहां पे क्या हो गया, क्यू, आर और स्विफ्ट में एक है, यहाँ आर है, या ऑडी हम ले चुके हैं क्योंकि ऑडी यू के कंपैरिजन में था, तो स्विफ्ट का आएगा नीचे ऐसे, ये डन है सबका, हाँ यहाँ पे टी फिफ्थ पे, हाँ क्लियर है भाई इतना। अब देखो और देखिए चीज़ें, देखिए पी यू टी सारा कन्फर्म है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आर से ऊपर क्यू आ चुका है, स्विफ्ट आ चुका है, ये सारा आ चुका है, क्रेटा स्कॉर्पियो डब्लू सेकंड पे नहीं, फोर पे नहीं, सिक्स पे आएगा नहीं, एट्थ पर क्रेटा स्कॉर्पियो डब्लू, ठीक है, एस आपका फर्स्ट पे था नहीं, यहां पे क्या आ गया, एस, बचा हुआ वी, ठीक है, हाँ लास्ट कंडीशन देखें, बीएमडब्ल्यू डस्टर में दो, यहां बीएमडब्ल्यू रखोगे तो दो छोड़कर डस्टर नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पे आएगा, बीएमडब्ल्यू किस पे था, इवन पे, सिक्स पे हो सकता है लेकिन थर्ड पे नहीं हो सकता, बीएमडब्ल्यू दो छोड़कर डस्टर, बचे क्रेटा स्कॉर्पियो बीएमडब्ल्यू ऑडी पोलो डस्टर स्विफ्ट, यहां पे बची कार, बच गई होंडा सिटी, होंडा सिटी, कंसंट्रेट करो क्वेश्चन पे, ठीक है, लोग कह रहे हैं, ठीक है, हाँ कुछ कह रहे हैं सिंपल पजल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं जिसको सिंपल पजल लगती है। देखो मैंने क्या यहाँ पे बस इतना सीखा है कि कोई भी पॉसिबल केस आपका स्किप नहीं होना चाहिए, चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ठीक है, और हाँ तो चीज़ों को समझना है। अब क्या होता है कभी कभी तुक्के में आपकी कोई पजल सही हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में आप पजल लेके बैठ गए, आपको पेपर में करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉसिबल केस को स्किप करना नहीं होना है, सारी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी पजल को लगाने बैठे हैं तो 8 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट लगाने के बाद फिर आप किसी अदर क्वेश्चन पे जाते हैं बिना किए, बिना डन किए, तो फिर वो बहुत गलत बात मानी जाती है। अगर किसी क्वेश्चन को आपने उठाया है तो क्वेश्चन होना ही चाहिए, तो मतलब हमेशा हमेशा प्रैक्टिस में सारे पॉसिबल केस क्रॉस चेक जरूर होने चाहिए, प्रैक्टिस में, एग्जाम में ना करना पड़े इट डिपेंड करता है, प्रैक्टिस में होनी चाहिए, तो हर चीज़ पे वर्कआउट करना है, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। अब इसका मैं सॉल्यूशन देता तो मेरे को सॉल्यूशन पता ही था ना, सपोज करो आपने जैसे कहा अगर मैं ये क्वेश्चन लेके आया तो मुझे तो इसका सॉल्यूशन पता ही होगा, क्या मैं इससे पहले क्वेश्चन नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, अगर मैं सॉल्यूशन पे आता तो 10 मिनट में 5 मिनट के साथ सॉल्यूशन छाप के हैप्पी नहीं, मेरे को इस तरह से देखना है, जिस तरह के स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, जिस तरह से आप करना चाहते हैं, तो मेरे को इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ को क्रॉस चेक करना है, क्योंकि आप क्रॉस चेक करना सीखना चाहते हैं, पजल में क्रॉस चेक कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, किस हिंट्स को ध्यान में रख रहा हूँ, किन किन बातों को कैरी करना होता है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, समझ में आ रही बात। जिन्होंने लाइक किया थैंक यू सो मच, तो आप ऐसे ही यस लाइक करते रहिए, खुश रहिए, तो आज का इतना ही सेशन है, आगे नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे पजल का, ठीक है, तो बाकी स्केड्यूल की वजह से आज का इतना ही सेशन है, तो आप खुश रहें, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें, और लाइक किया थैंक यू सो मच, बाकी लाइक करते रहें, सो हैप्पी मोमेंट, ओके, और यस,
पजल का भी बैच है, पजल का ज़्यादा डिटेल में आना है ना, तो पजल के बैच में आओ फिर, ज़्यादा डिटेल में आना है तो ठीक है, तो वो हमारे कंप्यूटर जी शेयर कर देंगे, वो पजल के बैच चल ही रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। हाँ ये आपका बैनर है जो बैच चल रहा है, इसकी कुछ ही क्लासेज हुई हैं, तो ये आपका पजल का एडवांस बैच चल रहा है, तो आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। ओके गाइज थैंक यू।